ये नजारा ब्रह्मा कुमारीज मुख्यालय पांडव भवन का नहीं है, बल्कि पांडव भवन की तरह ही हूबहू दिखने वाले ये चार धाम नेपाल की जमीन पर बनाए गए हैं। नेपाल जोन प्रभारी बी के राज दीदी ने पांडव भवन की तरह ही इन्हें बनाने का निर्देश दिया था। शायद आप भी इन तस्वीरों को देखकर धोखा खा सकते हैं। दरअसल 18 जनवरी ब्रह्मा कुमारी संस्था के लिए सबसे अहम दिन होता है। ब्रह्मा कुमारी संस्था के साकार संस्थापक पिता श्री ब्रह्मा बाबा ने 18 जनवरी 1969 को अपनी संपूर्ण आत्मिक अवस्था प्राप्त की थी और अपनी भौतिक देह का त्याग किया था। यही वजह है हर साल 18 जनवरी को संस्था के मुख्यालय माउंट आबू यानी ब्रह्मा बाबा की कर्मभूमि पांडव भवन में संस्था के सदस्य चार धाम की यात्रा करने आते हैं और आध्यात्मिक उन्नति के लिए यहां आकर दृढ़ प्रतिज्ञा करते हैं। 18 जनवरी को माउंट आबू आना हर ब्रह्मा कुमारी सदस्य के लिए मुमकिन नहीं होता। यही वजह है बी के राज दीदी के संकल्प से नेपाल की धरती पर ही चार धाम स्थापित करने की प्रेरणा मिली और इस तरह इन चार धामों का निर्माण हुआ। इस नए निर्माण से उम्मीद है कि अब सभी ब्रह्मा कुमारी से जुड़े नेपालवासी न केवल सहज चार धाम यात्रा कर पाएंगे बल्कि अपनी आध्यात्मिक उन्नति को भी नई उड़ान दे सकेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, पीस न्यूज़।